Well, my dear students, the course is labor policy Pakistan, and the topic is difference between industrial peace and industrial harmony. Dear students, these are two very important terminologies which are used more often as regards industrial law. India may do national commission. Hai, उसने अपनी रिपोर्ट के पेज 53 के ऊपर डिफरेंस जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट यानी इंडस्ट्रियल पीस एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी के मुतलक लिखा है कि इंडस्ट्रियल पीस एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी मे हैव द सेम मीनिंग अल्फाज बड़ी जादूगरी का काम करते हैं और अगर अप्रोप्रिएट अल्फाज एप्रोप्रियट जगह पर बोले जाएं तो बहुत अच्छे असरात पैदा होते हैं तो यहाँ पर लेबर लॉ के ज़िमन में इंडस्ट्रियल पीस और इंडस्ट्रियल हार्मनी के मतलब जो है वो जिक्र हो रहा है कि क्या इंडस्ट्रियल पीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान इंडस्ट्रियल पीस है या ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर के दरमियान इंडस्ट्रियल हारमनी हार्मनी का जो लफ्ज़ है ये बहुत पॉजिटिव लफ्ज है और पीस का मतलब ऐसा लगता है कि जैसे झगड़े हो रहे हैं और फिर पीस हो रहा है तो स्ट्राइफ जो है वो लड़ाई झगड़े का इन्वायरमेंट जब होता है तो उसके बाद पीस आता है बल्कि जो हारमनी का लफ्ज है इसका मतलब ये था कि झगड़े नहीं है बल्कि कोऑपरेशन की दुनिया है पार्टनरशिप की दुनिया है और अगर कोई थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पार्टीज का तो फिर उसको जो सेटलमेंट है उसको इंडस्ट्रियल हारमनी का लफ्ज देना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार रहे इंडस्ट्रियल पीस का लफ्ज जो है वो मौजू लफ्ज नहीं है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मोनी इज पॉजिटिव डियर स्टूडेंट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट पॉस्टुलेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जो इंडस्ट्रियल पीस का लफ्ज है इट पॉस्टुलेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ सम स्ट्राइफ, लड़ाई एक्स्ट्रक्ट्रा वगैरह तो माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज वाई वी प्रेफर टू डिस्क्राइब आर अप्रोच एज वन इन द क्वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मनी। तो लफ्ज क्या इस्तेमाल होना चाहिए इंडस्ट्रियल हार्मनी इंडस्ट्रियल पीस का लफ्ज जो है वो सूटेबल नहीं है पॉइंट टू बी नोटेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट न क्वेश्चन राइज इज माई डियर स्टूडेंट्स वाई इंडस्ट्रियल हार्मनी इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हारमनी इसलिए जरूरी है इससे लेबर प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जाता है लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जा सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जा सकता है माई डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा जो पीसफुल वर्किंग एनवायरमेंट है वो टॉलरेंस को क्रिएट करता है डायलॉग को क्रिएट करता है और दूसरे जो अल्टरनेटिव मीन्स टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल हार्मनी को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि हम कल्चर जो डायलॉग का है वो बनाएं टॉलरेंस का कल्चर बनाएं रिस्पेक्ट ऑफ वर्क का कल्चर बनाएं और टीम वर्क का कल्चर बनाए जिससे नेशनल ग्रोथ हो सकती है और प्रॉस्परस फैमिली लाइफ जो है वो क्रिएट हो सकती है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माय डियर स्टूडेंट्स इन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ सिस्टम इंडस्ट्रियल हार्मनी कैन नॉट बी अचीव आर्बिट्रेरी सिस्टम में भी ये इंडस्ट्रियल हार्मनी अचीव नहीं हो सकती इट इज द कलेक्टिव सिस्टम लेडीज एंड जेंटलमैन दैट कैन क्रिएट इंडस्ट्रियल हारमोनी इन एनी स्टेट नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस व मैकनिज्मीव इंडस्ट्रियल हारमोनी तो सबसे पहले क्या होना चाहिए किसी मुल्क में आप लेजिस्लेशन करें लेबर लॉज के ऊपर स्पेशल कोर्ट्स बनाए ताकि लेबर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके और जो जुडिशियल डिसीजन है उनकी इंप्लीमेंटेशन की जा सके तो एज रिगार्ड लेबर लॉ आई हैव टोल्ड यू मैनी अ टाइम्स लेकिन मैं आपको एक दफा फिर बताता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे लेबर लॉज है जो पाकिस्तान में लगते हैं इस जिमन में और ये सारे जो हैं इनका पर्पज इंडस्ट्रियल पीस है लॉज में है अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस नाइनटीन सिक्सटी टू बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड टू बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रक्ट नाइनटीन नाइन्टी वन और इस तरह के और भी बहुत से लॉज जो हैं वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंटेड है और इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रीज एक्ट 1934, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इंडी